नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर सुल्तानपुर से आ रही है। योगी की पुलिस हुई बेलगाम। सुल्तानपुर के थाना मोतीगरपुर का है मामला। काशी प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्र आए आगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला मोतीगरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां भुक्तभोगी शशिकेश शुक्ला ने अपने पारिवारिक विवाद को लेकर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार यादव से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि एक बार दोनों लोगों को बुलाकर वार्ता करने की बात कही। इतना सुनते ही दरोगा ने जाति सूचक गालियां देते हुए ब्राह्मण समुदाय के पीड़ित को पुलिसिया कार्यवाही में अंजाम तक पहुंचाने की बात कर डाली। इसका ऑडियो वायरल होने पर पूरा ब्राह्मण समुदाय जनपद में आक्रोशित है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी काशी प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्र ने पुलिस अधीक्षक एवं IGD एवं एडिशनल DG से वार्ता कर दंडनात्मक कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि जनपद में अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी जाति विशेष को जाति सूचक शब्दों से नवाजते हुए गाली देगा तो उसकी जनपद में खैर नहीं, चाहे वह ब्राह्मण हो या किसी अन्य जाति का हो। अधिकारी का कर्मचारी आम जनता की सेवा के लिए होते हैं, ना कि गाली गलौज करने के लिए। ऐसे में यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस प्रकरण पर प्रभारी मंत्री श्री जय प्रताप सिंह ने भी वार्ता करके अपने संज्ञान में बात लाई गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से वार्ता कर कार्यवाही की अपेक्षा की है। जल्द से जल्द ऐसे बेलगाम पुलिस के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे किसी भी जाति या वर्ग विशेष का मान सम्मान जनपद में बना रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ विजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जी, सुल्तानपुर जनपद में मोतीगरपुर थाने में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर एक भुक्तभोगी उनसे टेलीफोन पर वार्ता करता है, तो उसे उच्चात सूचक शब्दों से नवाजते हुए एक पूरे ब्राह्मण समुदाय को गाली दिया है। इस प्रकरण में अभी तक क्या हुआ है बताएं। मोतीगरपुर थाने में कार्यरत एसआई राजकुमार यादव का वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो वायरल को हमने सुना। सुनने के तत्काल बाद मैंने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से वार्ता किया। एसपी ने उनको तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। जांच के उपरांत उन्होंने कार्रवाई करने के लिए मुझे आश्वस्त किया है। मैंने इस घटना को बहुत ही, जो उन्होंने राजकुमार यादव ने बोला है, बहुत निंदनीय है। मैंने IG अयोध्या को और एडिशनल DG जो उनको दोनों को इस बात से अवगत करा दिया है। उसकी बाड़ी बहुत ही खराब है और उससे लोगों में जरूर आक्रोश है। कई लोगों का फोन उसमें आया है। संबंधित उच्च अधिकारियों को मैंने इससे अवगत करा दिया है। निश्चित रूप से एसआई राजकुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई भी अधिकारी राजकुमार यादव को बचाने का प्रयास करेगा, वो अधिकारी भी इसमें दंडित होगा। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।